गाइस कैसे हो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे। मेरे फन के असम के दीवार हो तो मैं आज जा रहा हूँ ब्लॉग शूट करने। कहाँ पर? अपने गांव माधोपुर। क्यों जा रहा हूँ? तो वो इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहां पर टूर्नामेंट होता है, तो आज उसका है फाइनल। क्रिकेट का मतलब फाइनल है आज। तो ये पड़ता है पीलीभीत जिले में और मैं इस टाइम हूँ बरेली में। तो यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ेगा, मतलब 1 सवा घंटे का रास्ता पड़ेगा। तो मैं वो कुछ नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ ग्राम माधोपुर में, जहाँ पर फाइनल का काफी बड़ा आगाज होने वाला है। काफी पब्लिक आती है वहां पर, तो चलते हैं लेके। हाँ जब मैं गांव में आया तो गांव का नजारा ही कुछ अलग था। मैं यहाँ देखता हूँ गांव का हर आदमी किसी ना किसी काम पे लगा हुआ है। कोई सफाई कर रहा है, कोई पानी लगा रहा है पिच को। और ये देखिए यहाँ पर लोग अभी मतलब आ रहे हैं। अभी अभी बज रहे हैं 10:30 और यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। तैयारी चल रही है हमारे हमारे ग्राम प्रधान माधोपुर के प्रधान जी, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को बड़ा आगाज मतलब बड़े लेवल पे पहुंचाया है। तो आप इस इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे ये सबका सहयोग है, पूरे ग्राम वासियों का सहयोग है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे नौजवान हो कोई भी हो सबका सहयोग है। अच्छा तो ये हर साल हम उम्मीद करते हैं हर साल इससे ऊंचे लेवल पे हर साल आने वाले समय में और से ऊंचे लेवल पे जाएगा। जो प्रधान जी है इन्होंने 30,000 रुपए का इनाम अपने जेब से दिया है इस टूर्नामेंट के लिए, तो इनके लिए जोरदार ताली हो जाए, ताली हो जाए। ठीक है तो कुछ ही देर में अभी राष्ट्रगान स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको हम दिखा करेंगे, पूरा माहौल दिखा करेंगे, अपनी तरफ से जितना भी अच्छा होगा हम दिखा करेंगे। हमारा कोई रोल नहीं, बस एक कमेटी मेंबर है और ज्यादा कोई रोल नहीं है। बस बाकी ग्राम वासियों का अच्छा खासा सहयोग है, बाकी इस मोहल्ले का बहुत ज्यादा सपोर्ट है क्योंकि लोगों का इतनी टॉलरेंट है कि घरों में गेंदें जाती है वो भी बर्दाश्त करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, समय भी खर्च करते हैं। इस मोहल्ले के लोग बहुत ज्यादा बर्दाश्त है तो यहाँ पर मोहल्ले की सपोर्ट की वजह से टूर्नामेंट को सपोर्ट करने के लिए पूरा गाँव ही साथ में होता है। पूरा गाँव सहयोग है, साथ में साथ देते हैं। आप भी लोग फाइनल देखने आए, पिछली बार भी फाइनल देखने आए थे यहाँ। पिछली बार मैंने 12 दिन यहाँ पर रह के गया था। अब 20,000 रुपए दिए जा रहे हैं नदर टीम को और दोनों टीम आ चुकी है, रिचा और बिथरा। राष्ट्रगान का इंतजाम हो रहा है, राष्ट्रगान को सम्मान दिया जाएगा, यहाँ पर राष्ट्रगान होने वाला है, यहाँ पर आवाज हुआ है। देखिए Thank you.
और यहाँ पर टॉस होने वाला है और यहाँ पर प्रधान जी टॉस करवाते हुए और यहाँ पर प्रधान जी टॉस करवा रहे हैं। देखिए हेड आप कहाँ से? टीम कौन सी है? बिक्का 11। बिक्का 11। आपने क्या लिया? बॉलिंग। बॉलिंग इन्होंने चूज बॉलिंग। पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है, टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला लिया है। यहाँ पर बिक्का 11 ने टॉस पहले जीत लिया है और टॉस जीत के उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला लिया है और जो है रिचा पहले बैटिंग करेगी और उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला लिया है तो वो फील्डिंग करेंगे। और यहाँ पर अभी कुछ ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर पब्लिक देखिए काफ़ी अच्छे से यहाँ पर लोग मैच देखने के लिए आ चुके हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे। यहाँ पर प्रधान अलीम ने उद्घाटन किया है, रिबन काटा है, अब यहाँ पर मैच स्टार्ट होने वाला है कुछ ही देर में। पर छिल रही है यहाँ पर, तीन चार भगवानों का इंतजाम करा गया है जो मुजाहिद भाई ने करा। और यहाँ पर पहले ओवर की पहली बॉल पिच हुई, मैच स्टार्ट हो चुका है। काफी अच्छी बॉल मिला पर लेना चाह रहा था, काफी को मना किया। अच्छी बल्लेबाजी मेरे द्वारा और से आपको दिखा दीजिए, ये रन के लिए मैंने ऐसा पूरा किया और इसी रन की वजह से स्कोर बढ़ा 150। और यहाँ पर अच्छा मैच चलता हुआ, पहली इनिंग चल रही है, पहली इनिंग के दो ओवर रह गए हैं और यहाँ पर देखिए भीड़ ये देखिए सामने भी और ये देखिए पब्लिक कितनी आई है, यहाँ पर हजारों में लोग आए हुए हैं और ये देखिए कहाँ पर कहाँ तक कहाँ कहाँ से मैच देखा जा रहा है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस पब्लिक को देख के कि कितनी ज्यादा पब्लिक आई है देखने के लिए। लफड़ा हो गया यहाँ पर, पता नहीं क्या लफड़ा हुआ, मैच रुक गया यहाँ पर। इनिंग समाप्त हो गई, रिचा ने 180 रन बनाए 20 ओवर में, मतलब ऑल आउट हो चुकी है, दो ओवर बाकी रह गए थे तो 180 रन बनाए हैं, तो अगली टीम के लिए 181 का टारगेट है। अभी लंच का टाइम है तो लंच के बाद दूसरी इनिंग स्टार्ट होगी। टीम बिंद्रा अपनी बैटिंग पर उतर चुकी है और ये इनिंग दूसरी स्टार्ट हो चुकी है तो उसकी पहली बॉल के लिए बॉलर नईम फेंकने की पूरी तैयारी। पहली इनिंग 180 रन का टारगेट दिया है रिचा ने, उनको चेस करना है, बित्रा को चेस करना है, उसके लिए पहली बॉल चुकी हुई और पब्लिक वापस आती हुई क्योंकि यहाँ पर
20 से 25 मिनट का ब्रेक दिया गया था, तो जिसको खाना था क्योंकि टाइम अभी 3 बज रहे हैं, कंटिन्यू देखे जा रहे थे, किसी ने अभी कुछ नहीं खाया था। कैच काफ़ी अच्छा होता हुआ, पहले बैट्समैन मतलब दूसरी इनिंग में काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन 4 विकेट एकदम जाने से, मतलब 3-4 ओवर में 4 विकेट एकदम से गिरने से तो मैच थोड़ा रोमांचक हो गया है। अभी भी 9 ओवर थे, पिथरी को 16 बॉलों पे 8 रन चाहिए, तो पब्लिक इधर से उधर भागने लगी है क्योंकि मैच एक तरफा हो गया है, पिथरी का चांस पूरा बन गया है जीतने का और काफी पब्लिक आई है, ये देखिए पब्लिक मैदान में घुसती हुई क्योंकि एक तरफा मैच है, देखिए पब्लिक काफी अंदर आ चुकी है। भारी टूर्नामेंट है, यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं है। ये देखिए कितना आदमी है, कितना आदमी है, 10,000 आदमी आया था यहाँ पर टूर्नामेंट को देखने के लिए। ये देखिए हमारे साथ में हेलो क्या हुआ, फाइनल खत्म हो चुका है, कुछ भी मजा नहीं आया, जैसा सोच के आए थे से मजा बिल्कुल भी नहीं आया हमें, बिल्कुल मजा नहीं आया क्योंकि मैच एक तरफा हो गया है तो थोड़ा उदास है, लेकिन फिर भी अपने गांव में आए हुए तो एंजॉय कर रहे हैं। खाने का इंतजाम करा गया वेज बिरयानी का, तो खिलाड़ी सब खा रहे हैं यहाँ पर, हम भी खाएंगे भाई। मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर लंगर लुटता हुआ, बाबा जी का लंगर लुटते हुए सब लोग यहाँ पर खिलाड़ी वेज बिरयानी। तो ब्लॉग को हम यही समाप्त करते हैं, तो बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नई चीज के साथ।